टाइम काफी मुश्किल था क्योंकि एक ही चीज जब आपके साथ दो बार होती है एक ही जख्म पे जब बार बार चोट लगती है तो और ज्यादा मुश्किल होती है तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर द सेकेंड टाइम बिकॉज़ आई हैड किड्स हाय मैं हूं चाहत खाना And I to to subscribe to Siddharth Kanans YouTube channel now. चाहत खन्ना, देखा जाए 2005 में हजार अपने करियर की शुरुआत की थी right? hmm. उसके immediately बाद 2006 में आपने अपने childhood sweetheart के साथ uh, marriage किया था कह रहे थे बहुत जल्दी था after a big launch। Yes। क्या आपको लगा कि आपने बहुत जल्दी शादी कर लिया था <laughs> Absolutely. एब्सोल्युटली वेरी हेस्टी बहुत जल्दबाजी का डिसीजन था एंड uh, uh, बहुत जल्दबाजी का डिसीजन था तो रॉन्ग डिसीजन था डेफिनेटली बिकॉज जल्दबाजी की चीज़ें हमेशा गलत होती हैं तो वेरी रॉन्ग डिसीजन वॉट वेंट रॉन्ग उस फेज में आपके साथ बहुत सी चीज़ें थी पीपल नो अबाउट इट एंड आई डोंट वॉन्ट टू टॉक अबाउट दैट अलॉट बिकॉज इट्स ऑलरेडी आउट देर एंड आई हैव ऑलरेडी मूव्ड फ्रॉम दैट स्पेस इन माय लाइफ एंड मैं बहुत आगे निकल आई हूँ इतना आगे कि मैं पीछे मुड़कर देखती तो मुझे यकीन भी नहीं होता कि ऑलरेडी मेरी शादी हो चुकी है hmm. इतना आगे निकल आई हूँ hmm. तो कभी कभी तो रियली really रियलाइज नहीं होता है कि अच्छा हाँ हाँ मुझे खुद अपने आप को याद दिलाना पड़ता है तो मैं इतना आगे निकल आई तो आ, बहुत सी चीज़ें थी, थी। एक मैरिज जब ब्रेक होती है तो काफी चीजें है होती हैं एक चीज की वजह से ऐसा नहीं होता है हिंदुस्तान में कि चलो आपने शादी तोड़ दी आज भी इंडिया आया शायद बॉम्बे में डिवोर्स रेट्स ज्यादा हैं बट तो या देर वॉज होल लॉट ऑफ थिंग्स बल्क ऑफ थिंग्स उस वक्त शायद आप अर्ली में थी 20 पर आपका पहला डिवोर्स हुआ था ट्वेंटी पेयर लोगों को समझ नहीं आता कि वो लाइफ में क्या करेंगे कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं यार ठीक है हम मिनट बाय मिनट लाइफ को जिएंगे yeah. जो होगा देखा जाएगा उस वक्त ये सब संभालना मुश्किल था क्या और कैसे अपने आपने अपनी राह वापस पकड़ी हु वॉज दैट वन पर्सन जिसने आपका हाथ पकड़ा बोला देखो चाहत मैं हूं तुम्हारे साथ वॉज इट फैमिली वॉज इट यू योर क्या था uh... ऐसा कोई इंसान ऐसा कोई शख्स काश मेरी लाइफ में होता एक गॉड फादर एक मैंटर बट नहीं है मैं खुद आई थिंक और मेरी फैमिली मेरी मम्मी शी इज़ माई बिगेस्ट मोटिवेशन के बेटा कोई बात नहीं होती है चीज़ें एंड हमारी फैमिली में कभी डिवोर्सेस नहीं हुए कभी नहीं हुए वी बिलोंग फ्रॉम अ वेरी कन्जर्वेटिव फैमिली फ्रॉम बॉम्बे एंड बॉम्बे के हम एक uh, uh, you know, uh, जॉइंट फैमिली में रहते थे एंड मैं भी एक जॉइंट फैमिली की यू नो बॉर्न एंड अप बच्ची हूँ तो हमारी फैमिली इतनी लिबरल नहीं है आई वॉज द फर्स्ट पर्सन टू बी एन एक्टर इन माई फैमिली एंड देन फॉलोड बाई माई सिस्टर माई एल्डर सिस्टर आपकी फैमिली कहाँ से है हम वैसे तो बॉम्बे के ही हैं अच्छा अच्छा बट माई फोर फादर्स वर्क फ्रॉम अमृतसर सो वी आर इन अ वे अमृतसरीज अमृतसरी पंजाबीज एंड या सो इतनी लिबरल नहीं है मेरी फैमिली बट माय मॉम वाज द वन बिग पिलर हु सेड के इट्स ओके okay, कोई बात नहीं जान है तो जहान है मम्मी हमेशा ही डायलॉग बोलती थी बेटा कोई बात नहीं जान है तो जहान है कर लेंगे एंड यस दैट वन थिंग ऑफ हैज टेकन मी सो फार आई वुड से वाओ वाओ बट उस वक्त क्या बहुत जजमेंट्स पास किए जाते थे क्योंकि अब तो जजमेंट्स का जमाना है शायद उस वक्त ज़्यादा होता होगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग उस वक्त तो, जजमेंट्स तो बहुत ज़्यादा थे इतनी चीज़ें लिबरल नहीं थी लोग इतने ओपन नहीं थे रिलेशनशिप्स इतने नहीं टूटते थे शादियां इतनी नहीं टूटती थी लेकिन जजमेंट्स तो बहुत होते थे आज अगर आपकी शादी टूट जाए तो इट्स ओके इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग लेकिन उस वक्त तो ये था कि आपकी ज़िंदगी फिर से आपको बनानी पड़ेगी आपकी पूरी की पूरी लाइफ इज कम ऑन अ स्टैंड स्टिल एंड स्क्रैच सो दैट वॉज देश मुश्किल था उस टाइम वॉट डिस्त uh, सच बताऊ तो मैंने कभी इस बात पर गौर ही नहीं किया कि मैंने क्या लोगों ने मुझे बोला मुझे सिर्फ इतना पता था कि मुझे क्या करना है अगर मैं ये देखती कि मुझे किसने क्या बोला है तो मैं उसी गम में आज भी बैठी होती तो, तो आपने क्या डिसाइड किया कि मुझे वापस से आई हैड टू गेट बैक टू माई करियर मैंने आधे रास्ते में छोड़ कर मतलब फैमिली लाइफ चुन ली थी तो करियर वॉज द वन थिंग जिसने मुझे आज तक सपोर्ट किया है एंड uh, मैं इस फील्ड को कभी लाइफ में नहीं छोड़ सकती बिकॉज दिस इज माई सोल दिस इज माई ब्लड नाउ एवरी टाइम जब मेरी लाइफ में क्राइसिस हुए तो मेरे एक्टिंग फील्ड ने मेरे काम ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है तो करियर केप्ट मी गोइंग इट जस्ट कैट मी गोइंग हाउ नाइस उसके बाद आपका सेकेंड मैरिज भी नहीं चला यू गॉट डिवोर्स वापस जब रिलेशनशिप टूटता है और डिवोर्स होता है वु क्या डबल ट्रॉमा था आपके लिए या फिर आपने कहा कि ठीक है मैंने इसको पहले फेस किया हुआ है नाउ आई एम स्ट्रॉगर टू हैंडल दिस सिचुएशन क्या था uh, नहीं ऐसा नहीं था uh, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था इनफैक्ट एक बार जब चीज़ हो जाती है तो आप कहीं ना कहीं उससे निकल जाते हो बहुत आसानी से काफ़ी सेकेंड uh, टाइम काफ़ी मुश्किल था क्योंकि एक ही चीज़ जब आपके साथ दो बार होती है एक ही जख्म पे जब बार बार चोट लगती है तो और ज़्यादा मुश्किल होती है तो इट वॉज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर द सेकेंड टाइम बिकॉज ऑल्सो आई हैड किड्स यू नो आई हैव माई डॉटर्स ब्यूटिफुल डॉटर्स बट सेकेंड टाइम इट वॉज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज

Uh, मेरे साथ एक्चुअली दोनों ही चीज़ें हुई कॉम्बिनेशन uh, था तो मैं ये नहीं कहूँगी कि ये हुआ या वो हुआ आई विल नॉट से कि आई एम डायग्नोस्ड विद दिस लाभ ब्ला ब्ला आई डोंट वॉन्ट टू बिलीव इन दैट मैं uh, आज भी नहीं जाना चाहती हूँ एक काउंसलर से अलावा साइकेट्रिस्ट के पास आई डोंट वॉन्ट टू गो दैट वे आई एम लाइक के ओके आई हील ऑन माई ओन विल टेक टाइम बट आई हील ऑन माई ओन आई डोंट वॉन्ट बी डिपेंडेंट ऑन समथिंग और समबरी तो मैं अपने आप को ऐसे टाइटल नहीं करूँगी कि अरे आई एम गोइंग थ्रू अ डिप्रेशन एंड मैं दवाइयाँ ले रही हूँ एंड ऐसा कुछ नहीं है बट uh, हाँ चीज़ें थी तो सही जो मैंने बहुत uh, अभी भी टैकल कर रही हूँ तो एक एक बार जब uh, चीज़ टूट जाती है तो आप उसको जिंदगी भर आपको मेंटेन करके चलना पड़ता है यू you नो know? तो मैं इनक्लोज हो चुकी हूँ आई हैव बिकम अ वेरी आई वाज अ पीपल्स पर्सन इवन नाउ आई एम लाइक काइंड ऑफ पीपल्स पर्सन बट आई वाज ट एनी मोर वेरी आई एव बिकम वेरी क्लोज एंड कैसे इंटरवर्ड हो गई हूँ एंड कम लोगों से अभी दोस्ती करती हूँ बहुत सोच समझ के होती भी नहीं है दोस्ती एक्चुअली तो आई बिकम आई वॉन्ट सेम लोन बट आई स्टार्ट एनजॉय माई ओन कंपनी एंड सो इट हैज चेंज मी अ लॉट एज अ पर्सन अ लॉट मतलब ईस्ट टू वेस्ट आई वु क्या वो चाहत जो एक्स्ट्रोवर्ट थी और ये चाहत जो इंट्रोवर्ट है क्या ये 2022 वाली चाहत उस चाहत को मिस करती है बोलती है वो एक्स्ट्रोवर्ट वाली चाहत जिस जो लोगों को बहुत पसंद करती थी यूज टू लाइक हैंगिंग आउट विथ पीपल वो वापस आ जाए uh, नहीं I don't miss anything of the past. Why? Because I want to, and I believe in moving forward. I am not that person who would say, कि मैं चाहे मैं काश मेरा बचपन वापस आ जाए लोग बोलते हैं ना मेरा बचपन वापस आई डोंट वॉन्ट आई एम हैप्पी द वे आई एम इवॉल्विंग यू नो इट्स ऑलवेज गुड टू लुक फॉरवर्ड एंड नॉट लुक बैकवर्ड तो मैं बहुत इवॉल्व हो चुकी हूँ एज अ पर्सन बहुत मेच्योर हो चुकी हूँ एज अ पर्सन एज अ वेरी किड आई अ किडो यू नो तो इट्स वर्क वेल फॉर मी एंड आई वॉन्ट दिस पर्सन टू बी अ लाइफ फॉर यू नो टिल देर आई एम नॉट द प्रीवियस वन जब हम अपनी लाइफ को देखते हैं बहुत इंस्टेंसेस हमारे डिसीजंस hmm. हमारे वे ऑफ थिंकिंग को अफेक्ट करते हैं प्रेजेंट में जब आप यंगर थी वुड यू इजली फॉल इन लव यस यस ऑफ कोर्स ऑल ऑफ अस आर राइट वी आर वेरी काइंड ऑफ वंडरबल व्हेन वी आर यंग तो वो uh, एक वंडरेबिलिटी आ जाती है जब आप की एज छोटी होती है आप बिलीव कर लेते हैं लोगों पे बहुत जल्दी बिलीव तो मैं आज भी कर लेती हूं hmm. Uh, बहुत बिलीवेबल हूँ मैं मतलब आई बिलीव वेरी इजली बट यस एब्सोल्युटली आपकी दो बेटियां हैं राइट yes. नाम क्या उनका द एल्डर वन इज जोहर एंड छोटी वाली का नाम अमायरा है आई हैव टू मेरी 7 साल की अधीरा और छोटी uh, वाली साइशा है इवन यू हैव टू किड्स डॉटर्स डॉटर्स 4 साल की बेस्ट थिंग टू हैपन टू मी दिल hmm, से बेस्ट क्या आपकी बेटियां अपने फादर के साथ टच में हैं बिल्कुल uh, बिल्कुल बच्चे इनफैक्ट मेरी बड़ी बेटी जो जौहर है वो आधे वो एटी टाइम्स अपने फादर के साथ ही रहती है एटी परसेंट शी इज जस्ट स्टार्टेड टू स्टे विथ हिम एंड व्हेन शी टर्न ऑलमोस्ट सिक्स कुछ महीनों पहले आई रिस्पेक्टेड हर डिसीजन शी इज़ टू यंग बट डेफिनेटली मैं जाती हूँ मिलती हूँ बच्चे कल भी साथ में खेल रहे थे तो आई डोंट वॉन्ट टू कीप बोथ किड्स अवे I don't want to keep them away from the father. Whatever differences we had, that's a separate thing. But uh, बिल्कुल uh, father के साथ मिलते हैं वहाँ जाते हैं घूमते हैं everything. तो द बड़ी वाली इस वक्त आपके uh, हस्बैंड के साथ एक्स हस्बैंड के साथ रह रही है yes. और छोटी वाली आपके साथ ठीक है बट डज द यंग वन मिस द एल्डर डॉटर या डेफिनेटली दे मतलब बहुत ज्यादा दोनों बच्चे क्लोज हैं बिकॉज़ सिस्टर्स हैं हम उम्र हैं तो हर दूसरे तीसरे दिन मिलते हैं ये hmm. हफ्ते में दो बार तीन बार so, uh, दे स्पेंड आप मैं, बताया आपको कि मैं पीछे मुड़ के देखूं तो मुझे पहली शादी तो याद भी नहीं है okay. <laughs> वो तो मोर ओवर इट वाज लाइक एन अफेयर चार महीने की शादी थी इससे ज्यादा बड़े अफेयर होते हैं लोगों के तो मैं वो काउंट भी नहीं करूँगी बट नहीं आई एम नॉट इन टिम एट ऑल बट येस विद माई एक्स हजबेंड फरहान वी आर डेफिनेटली इन टच बिकॉज ऑफ द किड्स वी आर कॉडल एंड मेरे हिसाब से सबको ऐसे ही होना चाहिए बिकॉज जस्ट बिकॉज आप डिवॉर्स हो या डिवॉर्स ले रहे हो ड आप दुश्मन बन जाओ एक दूसरे के है ना तो आप बच्चों के लिए तो एक कॉडल रह ही सकते हैं पेरेंट्स सो दैट्स वॉट आई बिलीव दैट्स वॉट वी आर बट

यू you नो know, कि वो तो आपको क्वेश्चन भी नहीं होता है दैट इज लाइक अ स्टेटमेंट कि अरे ठीक है दो बार हो गया तो मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है इसमें और वो कहते कि लड़की में गड़बड़ी है हां बिकॉज क्योंकि दो बार इसका हुआ है ना दो बार किसी और का नहीं हुआ है लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका फिर मेरे बाद दो बार शादी टूट गई तो सॉरी टू से पर फिर मुझे लगा कि चलो मैं अकेली नहीं हूं थोड़ा दिलासा मिला मुझे मैंने बोला चलो कोई बात नहीं इट्स ओके होता है कोई बात नहीं तो पहले तो मुझे लगा था मेरी लाइफ खत्म हो जाएगी दूसरी बार ऐसा हुआ तो क्या होगा बट फिर माय मॉम सेट कि कोई बात नहीं जिंदा है ना कम से कम तो लाइफ बना लेना आपने तो माय मॉम वाज़ द वन जिसने मेरे को पकड़ के ड्रैग करके उस शादी में से निकाला एंड आफ्टर दैट फ्यू मंथ्स लेटर शी पास अवे बट मम्मी नहीं होती तो मैं नहीं निकल पाती शादी से और उसके बाद फिर एक एक करके और भी बहुत सारे मेरे एक्टर्स फेलो वर्कर्स हैं जिनकी दूसरी शादी भी टूट गई तो आई वाज लाइक चलो कोई बात नहीं इट्स ओके व्हाट मॉम सेड मेड सेंस डिवोर्सेस बहुत बार मोस्ट ऑफ द केसेस बहुत इजी नहीं होते हैं या yeah. कभी कभी मैं सुनता भी हूं ये लोग कहते हैं ये देखो हम लोगों ने डिवोर्स किया इनफैक्ट आई वाज टॉकिंग टू अनदर एक्ट्रेस कपल ऑफ वीक्स बैक और उन्होंने कहा उनका डिवोर्स हुआ पर जिस दिन डिवोर्स हुआ उसके बाद जब उन्होंने पेपर साइन किया थोड़ा पार्टी ओके okay. वो उनका वो कहते कि इतना स्पून था हम लोग कंपैटिबल नहीं थे हम लोग डिसाइड किया चलो लेट्स पार्ट पर आपका डिवोर्स वाज वेरी वेरी हार्ड वेरी हार्ड यस वेरी वेरी हार्ड एंड बोथ यस बहुत बहुत हार्ड थे इट ऑल डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन आई विश मुझे कोई ऐसा पार्टनर मिलता जो इतना इजी गोइंग होता बट अब नहीं है तो फिर क्या करोगे यू कॉन्ट हेल्प इट राइट सो या आई मीन वॉट्स देर इज देर यू कैंट हेल्प इट मतलब उसका कोई इलाज नहीं है बैड लक आई वुड से